हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में, और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको अल्फाबेट के बारे में बताएंगे। तो पिछला वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएंगे। चलो हम लोग मूल में आ जाते हैं अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट ALPHABET, अल्फाबेट को हम लोग जानते हैं वर्णमाला। क्या जानते हैं? वर्णमाला। अब देखिए, वर्ण जो होता है, वर्ण वर्ण का मीनिंग हुआ अक्षर, और माला मतलब माला, मतलब अक्षरों की माला। तो जब अक्षरों की माला हम बनाएंगे, और जो माला हमारा होगा वो माला हमारा सजा हुआ होना चाहिए। जैसे हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में कोई माला खरीदते हैं, फूलों की माला, और उस माला में अगर फूल उल्टा पुल्टा लगा रहता है तो हम लोग उस माला को नहीं खरीदते, और जो फूल सजा कर लगा रहता है उस माला को हम लोग खरीद लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में क्या होता है अल्फाबेट, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चों। अल्फाबेट जो होता है एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों को सजा कर रखना। अक्षरों को सजा कर रखना क्या कहलाएगा? अल्फाबेट कहलाएगा। अक्षरों को सजा कर रखना, अक्षरों को सजा कर रखना। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। 26 लेटर ABCDEFZ तक। अगर हम ए के पहले, ए के बाद बी नहीं देंगे, सी नहीं देंगे, डी नहीं देंगे, तो ये हमारा अल्फाबेट सजा हुआ नहीं बनेगा। अगर हम ए के बाद जेड दे देंगे, जेड के बाद सी दे देंगे, फिर ई दे देंगे, तो ये माला हमारा गलत हो जाएगा। मतलब अक्षरों को सजा कर रखना ही अल्फाबेट कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों को सजा कर रखना। कितने लेटर होंगे अंग्रेजी में? 26 लेटर। कितने? 26 लेटर। अब देखिए क्या होता है, वर्णमाला तैयार हो गया, 26 लेटर को हम सजा कर रखेंगे, वो अल्फाबेट कहलाएगा। अब देखिए अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट के दो भाग होंगे, एक होगा कैपिटल लेटर और दूसरा होगा स्मॉल लेटर। मतलब चलिए कैपिटल लेटर, लिखने के दो तरीके, कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर के भी 26 लेटर और स्मॉल लेटर के भी 26 लेटर, मतलब दोनों को हम लोग 26 लेटर ही पढ़ेंगे। अब उस अल्फाबेट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक होगा वोवेल और एक होगा कंसोनेंट। वोवेल में आ जाएगा 5, कंसोनेंट में आ जाएगा 21। वोवेल में 5 आएगा, कौन कौन? ए ई आई ओ यू, ये हो गया 5 वोवेल। और कंसोनेंट हो जाएगा 21। 21 में कौन कौन आएगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 हो गया कंसोनेंट। तो वोवेल कितने हुए? 5। कौन कौन? ए ई आई ओ यू, दीज आर कॉल्ड वोवेल्स। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कंसोनेंट। अब हम लोग अल्फाबेट के बारे में हम लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा। अब देखिए, जैसे ही अल्फाबेट से अक्षर का निर्माण हुआ, अक्षर बना, अक्षर जैसे ही बना, अब अक्षर से हमें बनाना है वर्ड। क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। अब वर्ड को जानेंगे कि वर्ड कैसे बनेगा। वर्ड बनेगा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives complete meaning is
कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स किसका लेटर होगा? सब ग्रुप ऑफ लेटर्स किसका समूह होगा? लेटर्स का समूह होगा, अक्षर का समूह होगा। और जब ये चार गो लेटर को आप एक जगह रखेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। चार गो लेटर मान के चलिए हमने लिखा बी ओ ओ के, कितने लेटर? 1 2 3 4 चार लेटर। बुक को हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में किताब। किसका समूह है? लेटर का समूह है, चार लेटर है इसमें। चार लेटर को यदि हमने एक जगह रखा तो वो एक वर्ड बन गया। चार लेटर को एक जगह रखा तो क्या बना? वर्ड बना। अब देखिए, अगर हम इसको यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ये वर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा अक्षर, लेटर बी ओ ओ के, इसको हम वर्ड नहीं पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हम यदि चार गो पांच गो लेटर को एक जगह रखते हैं, एक जगह सजाते हैं और वह यदि कंप्लीट मीनिंग देता है उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड किससे बना? लेटर से बना। लेटर कहां से आया? अल्फाबेट से आया। अल्फाबेट ने किसको जन्म दिया? तो लेटर को। लेटर से क्या बना? शब्द बना। अब देखिए, शब्द तो बन गया। अब शब्द बनने के बाद ध्यान से सुनेंगे बच्चों, शब्द बनने के बाद ये इंग्लिश का बेस है, यहीं से अंग्रेजी की शुरुआत होगी। लेटर का जन्म दिया अल्फाबेट, लेटर से बना शब्द, और जैसे ही शब्द का निर्माण हुआ अब शब्द से बन जाएगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच gives complete meaning is called sentence। Arrangement of words किसका समूह होगा? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह होगा, लेकिन अगर उस शब्दों के समूह से सही अर्थ नहीं निकलेगा तो वह सेंटेंस नहीं होगा। जैसे देखिए, I book read अ, ये सेंटेंस गलत है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, लेकिन ये सही मीनिंग नहीं देता है इसलिए गलत है। इसी वर्ड को हम लिखेंगे आई रीड अ बुक, ये सेंटेंस सही है इसलिए कि इसमें शब्दों का समूह है, इसमें भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये शब्दों का समूह सही मीनिंग नहीं देता इसलिए गलत है, और ये शब्दों का समूह सही मीनिंग देता है इसलिए सेंटेंस सही है। तो अब इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेट ने लेटर को जन्म दिया। लेटर 26 होते हैं, उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, लिखने के बड़े अक्षर, लिखने के छोटे अक्षर। उन दोनों अक्षरों को हम लोग फिर दो भाग में बांटेंगे, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। वॉवेल 5, कंसोनेंट 21। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लेटर आया तो लेटर से हम लोग शब्द का निर्माण करेंगे। जब ये हम चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो लेटर को एक जगह रखेंगे तो वो एक वर्ड बनेगा, लेकिन उस वर्ड से कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, और जैसे ही वर्ड बना तो वो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ आप देखिए कि हमने देखा, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि देयर आर ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 52 लेटर्स इन हिंदी अल्फाबेट। दोनों में दोगुना का अंतर है, केवल 26 लेटर को पढ़ने से ही सारे अंग्रेजी खत्म, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अल्फाबेट बना अल्फाबेट में 26 अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में, और इस तरह से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना। इस तरह से आज की वीडियो यही खत्म। अगले क्लास में हम लोग दसवीं वाले बच्चों के लिए अगला पोएम होगा पॉलीथीन बैग, जो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।